हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लिटरेचर पोर्शन, आर मैरीगोल्ड बुक पोर्शन। ओके, इन द मैरीगोल्ड बुक ऑफ ग्रेड थर्ड, इट इज़ आर फर्स्ट यूनिट, एंड ऑन द फर्स्ट यूनिट देर इज़ अ पोएम गिवन टू यू। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज The name of the poem is Good Morning. Name of the poem is Good Morning. It's a poem name. आपको पता है गुड मॉर्निंग क्या होता है? आप मॉर्निंग में उठ के अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको विश करते हो ना? आप उनको ग्रीट करते हो। गुड मॉर्निंग मीन्स सुप्रभात, मीन्स आपका दिन अच्छा हो। ओके, इन दिस पोएम There is a little girl given, यहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है जो मॉर्निंग में उठती है। मॉर्निंग में उठने के बाद वो इतना हैप्पी फील कर रही है अपने आप को, अब इतनी खुशी महसूस हो रही है कि वो इस चीज़ को इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब करना चाहती है। एंड द पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट फैनी आर बुचानन। देखो जो पोएम्स होती है, पोएम को जो राइट करते हैं दे आर कॉल्ड पोएट, उनको पोएट बोला जाता है, मीन्स कवि। ठीक है, और जो चैप्टर्स होते हैं हमारे, स्टोरीज होती हैं, उनको राइट करने वाले राइटर या ऑथर होते हैं। ओके, नाउ आर पोएम नेम इज गुड मॉर्निंग एंड दिस पोएम इज रिटन बाय फैनी आर बुचानन। लेट स्टार्ट द पोएम। गुड मॉर्निंग स्काई, ये सारी स्टोरी है ना, ये जितनी पोएम है इसको ये गर्ल डिस्क्राइब कर रही है। गर्ल डिस्क्राइब कर रही है, गर्ल इज सेइंग गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई मीन्स क्या होता है? स्काई मीन्स आसमान। वो बोलती है, मॉर्निंग में उठते ही बोलती है गुड मॉर्निंग आसमान, गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन। सन मीन्स सूरज। वो सूरज को भी गुड मॉर्निंग करती है, आसमान को भी गुड मॉर्निंग करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देम, उनकी वजह से ही तो रात गई है और सुबह आई है। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, और वो उस बहती हुई मीठी मीठी हल्की हल्की हवा, विंड मीन्स हवा, उस विंड को भी गुड मॉर्निंग कर रही है, जिसको वो फील कर रही है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, वो अपने चारों तरफ उसके सराउंडिंग में जितने भी बर्ड्स हैं वो उन सबको भी गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़, जितने उसको अपने चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो उनको भी गुड मॉर्निंग विश कर रही है। एंड क्रीपिंग ग्रास, क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगती हुई, बट यहाँ पर इट इज़ अ पोएम। पोएम में आपको पता है कि इमेजिनेशंस की जाती है, तो यहाँ पर क्रीपिंग ग्रास मीन्स होता है कि वो दूर से जिस ग्रास को, घास को देख रही है, वो इस तरह से मीठी मीठी हवा में लहरा रही है कि वो उसको ऐसे लग रही है कि मान लो ज़मीन पर रेंग कर चल रही है। ओके, एंड ब्राउनी बीज, और जितने भी ये फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनके ऊपर जो बीज हैं, मक्खियाँ, मधुमक्खी, ठीक है ना, जो ब्राउनी बीज, ब्राउन कलर की मधुमक्खियाँ बैठ रही हैं, वो उनको भी गुड मॉर्निंग विश करती है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, वो इनको सबको, किनको, स्काई को, सन को, बर्ड्स को, ट्रीज को, बीज को, इन सबको बोलती है हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, आपको कैसे पता चल गया था कि दिन निकल चुका है। हु टोल्ड यू नाइट हैज़ गोन अवे, आपको कौन बताता है कि रात, नाइट हैज़ गोन अवे मीन्स रात चली गई है और दिन निकल चुका है। आई एम वाइड अवेक, मैं भी वाइड मीन्स, वैसे तो वाइड मीन्स ब्रॉड होता है, चौड़ा, लेकिन वो बोल रही कि आई एम वाइड अवेक, कि मैं भी पूरी तरह से, अवेक मीन्स जागना, आई एम वाइड अवेक, मैं भी पूरी तरह से जाग चुकी हूँ। आई एम अप नाउ टू, और मैं भी अब स्टैंड हूँ मीन्स खड़ी हूँ, या मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, आई विल बी, अभी मैं जल्दी ही, विल बी मीन्स आऊँगी इन फ्यूचर, ठीक है, मैं भी जल्दी ही आप सबके साथ बाहर खेलने के लिए आने वाली हूँ। ये देखो, ये उसका हाउस है और वो अपने होम से विंडोज़ को ओपन करके इन सब को गुड मॉर्निंग विश करती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग विश करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। आप मॉर्निंग में उठकर सभी अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया करो, कितना अच्छा लगता है। आप बोलोगे गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग डैडी। ग्रैंड पेरेंट्स आर मस्ट, वो आपके मदर एंड फादर से पहले हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, उनको भी आपको अच्छे से विश करना है।
तो आप कितने अच्छे लगोगे। ओके, देखो जिस तरह से ये गर्ल है, ये नेचर की इतनी सारी थिंग्स दी हुई हैं, नेचर को कित नेचर की ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को ये गुड मॉर्निंग विश कर रही है। क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ मूव ऑन द डी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। क्रीपी मीन्स रेंगना, अवेक मीन्स जागना, गॉन अवे मीन्स जा चुकी है, नाइट्स हैज गॉन अवे कि रात जा चुकी है। ओके, क्लियर टू ऑल? ये आपको समझ आया इतना? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। आर नेक्स्ट पेज इज व्हाई इज द दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। मैं ये आपको नोटबुक्स पर सॉल्व करके राइट डाउन करूँगी, लेकिन हम इसको ना अब एक बारी देख लेते हैं। व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। बच्चा जो पोएम में जो चाइल्ड है वो हैप्पी क्यों है? द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज ही इज हैप्पी और शी इज हैप्पी बिकॉज इट्स मॉर्निंग एंड द नाइट हैज हैड गॉन अवे। ये मॉर्निंग टाइमिंग है और रात जा चुकी है। तो हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। बच्चा किन किन को गुड मॉर्निंग विश कर रहा है? चाइल्ड विश गुड मॉर्निंग टू सन, स्टार्स, ग्रास, बीज एंड द ऑल थिंग्स। वो सभी चीज़ों को गुड मॉर्निंग विश करता है। वट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू। बच्चा क्या करना चाहता है? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले विद देम। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज इन द टॉक टाइम। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, ऑल नाइट आई से गुड नाइट, अ डॉग सेज बाव बाव, अ काउ सेज माओ माओ। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स को किस तरह से गुड मॉर्निंग विश करोगे, और टू योर टीचर, और आप अपने टीचर को किस तरह से गुड मॉर्निंग विश करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल। जब आप स्कूल से वापस आते तो आप उनको किस तरह से विश करोगे? आप बाय बोलते हो ना, मैम को बोल के जाते हो ना आप सभी, गुड आफ्टरनून मैम, और फ्रेंड्स को भी गुड आफ्टरनून और बाय से विश करते हो। नेक्स्ट वन इज वर्ड बिल्डिंग। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विद। देखो इन वर्ड्स को देखो, आप इनसे राइम करते हुए पोएम में से वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। लाइक बीज ट्रीज, डे अवे, टू यू। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ड्रॉ इन टू बॉक्सेस। ये आपको टू बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको दिन में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और रात को आपको क्या दिखाई देते हैं, वो इसके अंदर आपको ड्रॉ करने हैं। लाइक नाइट में आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है, और मून दिखाई देता है, और डे टाइमिंग में आपको सन दिखाई देता है, ठीक है, और स्काई दिखाई देता है अच्छे से, ठीक है, ट्रीज दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे पिक्स ड्रॉ करोगे उनकी। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट वन इज राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। आप यहाँ पर उनके नेम राइट डाउन करोगे, यहाँ पर आप उनके नेम राइट डाउन करोगे। आपने जितनी भी थिंग्स ड्यूरिंग द डे देखी और जितनी थिंग्स आप ड्यूरिंग द नाइट देखते हो। ओके बेटा, यहाँ पर आपको उनके नेम राइट डाउन करने हैं। लाइक नाइट में आप स्टार्स लिख दो, ओके, डे टाइमिंग में आप सन लिख दो। ये आपको यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स राइट डाउन करने हैं। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपकी पोएम अब कंप्लीट हो चुकी है ये, ठीक है, अपनी मैरी गोल्ड में एनसीईआरटी में इतना ही पोर्शन है। देन वी विल स्टार्ट इट इन द एलआरस। इट इज़ इनफ फॉर टुडे, रिवाइज इट एंड डू द एक्सरसाइज इन दिस बुक। ओके बेटा, थैंक यू।